नमस्ते, आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बेसिक कॉजेज के बारे में। मैं डॉक्टर नीलेश बलकोड़े, क्लिनिकल हेड ओएसएस फर्टिलिटी पुणे, आपका एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके लिए क्या टेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं बेसिक फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी कैसे रहती है। हर महीने में महिला में ओवरी में एक एग तैयार होता है और ये एग बड़ा होकर रप्चर होता है, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। 28 डेज की अगर साइकिल है तो 14th डे ऑफ साइकिल पे ओव्यूलेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। ओव्यूलेशन के दौरान अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होता है तो स्पर्म्स जो होते हैं वो वजाइना से ऊपर ट्रैवल करेंगे और फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म का यूनियन होगा या वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद गर्भ तैयार होता है और ये जो गर्भ है ये गर्भाशय में जाके अटैच होता है। ये जानना ज़रूरी है कि इन सब प्रोसीजर में कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली महिला में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या पुरुषों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। महिलाओं में एग का नंबर कम हो सकता है, एग की क्वालिटी कम हो सकती है, ओवरी में कुछ सिस्ट हो सकते हैं, ओवरी में एग्स की संख्या नॉर्मल से अधिक हो सकती है, जिसको PCOD कहा जाता है। तो ये ओवेरियन कॉजेस को कहा जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो महिलाओं में रहता है, वो है फैलोपियन ट्यूब्स रिलेटेड। ट्यूब्स में अगर कुछ इन्फेक्शन है तो यूनिलैटरल या बायोलैटरल ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है। इसी के साथ में ट्यूब्स में ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से पानी भर सकता है, जिसको हाइड्रोसल्फिंग्स कहा जा सकता है, या पस भर सकता है, जिसको पायोसल्फिंग्स कहा जा सकता है। इसी के साथ में यूट्राइन फैक्टर इन्फर्टिलिटी भी होता है। महिलाओं में अगर गर्भाशय या बच्चेदानी में कुछ परेशानी है, बच्चेदानी का आकार प्रॉब्लमेटिक है, जो जन्म से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जिसको मुलेरियन एनोमलीज कहा जाता है, या फिर बच्चेदानी में कुछ गाठे हैं जिसको फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस कहा जा सकता है, या बच्चेदानी में अंदर की साइड पे कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको एंडोमेट्रियल डिफेक्ट्स कहा जाता है, तो बच्चा रहने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। आइए जानते हैं पुरुषों में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो पुरुषों में सेक्सुअल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल इजेकुलेटरी डिस्टर्बेंसेस, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी के साथ में सीमेन डिस्टर्बेंसेस या सेमाइनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें सीमेन में काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी, ये तीन पैरामीटर्स में परेशानी हो सकती है। इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस, पोल्यूशन, एडिक्शंस, लाइफस्टाइल, डाइट, ये सभी से पुरुषों में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये सब बेसिक कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी है। आइए जानते हैं ऐसे कौन से टेस्ट है जिससे हम लोग इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। ओवेरियन फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए ओवेरियन रिजर्व का टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडाशय में एक समय पे एग्स की मात्रा कितनी है, इसको जानना, इसको ओवेरियन रिजर्व कहा जाता है। इसके लिए AMH, एंट्रल फॉलिकल काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसी के साथ में ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, ये जानने के लिए ट्यूबल टेस्ट्स, ट्यूबल स्टडीज, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए HSG, सलाइन सोनोग्राफी और लैप्रोस्कोपी, ये इन्वेस्टिगेटरी ऑप्शंस अवेलेबल है। यूट्रस का सही होना सोनोग्राफी पे बहुत बार देखा जा सकता है और 3D सोनोग्राफी से हम लोग यूट्रस के शेप एबनॉर्मेलिटीज भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पुरुषों के प्रॉब्लम्स के लिए सीमेन एनालिसिस एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेस्ट है। सीमेन एनालिसिस में काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी के साथ अन्य कई पैरामीटर्स की जांच की जा सकती है। तो इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या फिर हमारे सेंटर्स पे। थैंक यू।